नमस्ते दोस्तों, मनु रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ ठेकुआ। छठ पूजा की शुरुआत हो चुकी है। छठ पूजा के लिए, छठ मैया के लिए प्रसाद में ठेकुआ चढ़ने वाले, ये ठेकुआ बना रही हूँ। इसके लिए लिया है मैंने 1 कप, ये 1 कप डाल चुकी हूँ। 2 कप आटा है गेहूँ का, जो नॉर्मली होता है आटा हमारा वो है। और पानी लिया है और घी लिया है, और इसके लिए ये लिया है सूखा कद्दूकस। मैंने गोला कद्दूकस कर लिया है। इसमें डालेंगे 1/2 कप सूजी, और ये इसको कट करके भी डाल सकते हैं। मैंने ये थोड़ा दरदरा, ये देखिए इस तरह से ये पीस लिया है। इसको थोड़ा मोटा भी है, या तो आप इसको छोटा बारीक बारीक काट के डाल सकते हैं। ये डालेंगे इसके अंदर। इसके अंदर कोई सोडा वोडा कुछ नहीं डाल रही हूँ मैं। और ये डालेंगे 4 चम्मच देसी घी है, ये मेरा घर का बना हुआ घी है। ये देखिए, ये डाल दिए, इसको मिला लेंगे अच्छे से। इतने अच्छे खस्ता छठ मैया के लिए ठेकुआ बना रही हूँ। ये थोड़ा सा घी और डालेंगे। देखिए इसमें डाल देंगे पिसी हुई चीनी 1.5 कप चीनी डाली है मैंने। इतना मीठा बहुत है। अभी थोड़ा सी चीनी 1/2 कप से कम अभी और डालूंगी। देखिए सब चीज़ों को मिला लिया अच्छे से। अब इसको पैन डाल के थोड़ा सा हार्ड डो लगाएंगे इसका, ज़्यादा हार्ड भी नहीं और सॉफ्ट भी नहीं, ठीक ठीक लगाएंगे। देखिए इस तरह से गूंदेंगे इसको। ये देखिए ये आटा मेरा गूंद चुका है अच्छे से। अब इसको 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे, फिर मैं बनाती हूँ दिखाती हूँ आपको। ये देखो लोई बना के इसकी रोटी बनानी है बड़ी सी। ये देखिए फिर से इस तरह से। ये देखिए ये देखिए फिर से ये इतनी मोटाई रहेगी इसकी। ये देखिए ये इस तरह से डिजाइन बना सकते हैं। ये देखिए ये देखिए इस तरह से नहीं बनाना, छुरी से बना सकते हैं। ये देखो इस तरह हल्का सा।
ये देखिए डिजाइन आप जैसे मर्जी बना सकते हैं, अच्छे लगेंगे। मैं तो कांटे से ही कर रही हूँ तो ये जल्दी भी हो रहा है और अच्छा भी लगेगा। ये तो मेरा टूट गया, ये देखिए इस तरह से और ये इस तरह से, ये देखिए ऐसे डिजाइन बना के सारे तैयार कर देती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। ज़्यादा तेज आँच नहीं होनी चाहिए, कम पे अभी वो डाल रहे हैं इसको, ये देखिए। इस तरह से देखिए जो मर्जी डिजाइन दे दो। ये देखिए अब मैंने इस तरह से बनाए, जैसा भी आपको अच्छा लगे वैसा बना सकते हैं। ये देखिए इस तरह से, देखिए ये बिल्कुल आस्ते आस्ते चलाना है, इनका जोर जोर से नहीं, बिल्कुल सॉफ्ट है और जब बाहर रखेंगे तो इसको इतना अच्छा क्रिस्पी और मुलायम इस तरह से रहेंगे ये। और कुछ ज़्यादा तेज आंच पे नहीं सेकना है, धीमी धीमी आंच पे सेकना है इसको। ये देखिए अभी तो बिल्कुल सॉफ्ट है ये, थोड़ा सा और सेकेंगे अभी। ये देखिए ठेकु ओवन के तैयार हैं, बिहार की डिश है ये प्रसाद छठ मैया के लिए। ये देखिए ठेकु ओवन के तैयार हैं, अलग अलग डिजाइन में देखिए, ये वाला देखिए इतना अच्छा फूटने में भी देखिए खस्ता मुलायम। ये देखो आराम से एक हाथ से तोड़ लिया मैंने।